तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लताफा के असद परफ्यूम के बारे में। ये डियोर सवाज के एक्सेलर का बहुत अच्छा क्लोन है या फिर अच्छा क्लोन नहीं है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे और देखेंगे कैसा है ये परफ्यूम अपने आप में इस छोटे से इंट्रो के बाद। भाई दोस्तों, मैं हर्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वेंशु ग्रूमिंग में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारा काम जो है और लोगों तक पहुंचे और थोड़ी सी हेल्प मुझे भी हो जाएगी, और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस लताफा के असद के बारे में, तो सबसे पहले आप देख सकते होंगे इसका जो बॉक्स है ना, अच्छा खासा बड़ा बॉक्स मिलता है, राइट। आप देख सकते होंगे बॉक्स की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, राइट। और ये जो इन्होंने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी सी की हुई है इसके ऊपर, लिटरली ये फील होती है, ऐसा लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पे यूज़ किया गया है। और इवन जो नाम लिखा गया है उसके ऊपर भी एम्ब्रोश वाला यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो ये चीज़ अच्छी होती है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आसान नहीं होता है कॉपी वगैरह करना ब्रांड को। तो ये आई रियली लाइक इट। और ऐसा मतलब जब आप किसी गिफ्ट भी दोगे ना, तो जब वो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा वो बहुत ही अच्छा पड़ेगा इसका, ये चीज़ मुझे सही लगी। तो बॉक्स तो इसका काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते होंगे अच्छा सा है और रॉयल सा फीलिंग देता है। इनफैक्ट यहाँ पे पूरे में एम्ब्रोश है, राइट, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके का बॉक्स है। तो करते हैं इसको ओपन और दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने इसको ओपन किया, ओपन करके ये बॉक्स था, इसको साइड में रखते हैं। तो अभी आप देख सकते होंगे ये है बेसिकली असद, राइट, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे एक पूरा लोगो सा है इनका, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है लताफा का असद, यहाँ लताफा यहाँ असद, ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरीके का बड़ा क्रिएटिव सा बॉक्स है, राइट, पसंद आया मुझे काफ़ी। जो यूनिक होते हैं ना यार, ये अच्छे लगते हैं, स्पेशली किसी को गिफ्ट करने के लिए या फिर ऐसे सामने रखा भी हो तो कुछ यूनिक लगेगा परफ्यूम, तो लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ अलग है, कुछ रॉयल सी है, राइट। और जो बॉक्स है वो भी काफ़ी सही है, तो फर्स्ट इंप्रेशन वाइज तो आई रियली लाइक इट अभी तक। अब बात करते हैं यहाँ पर इस परफ्यूम की, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि कैप ठीक ठाक है, टाइट है, राइट, ठीक ठाक टाइट हो जाती है, लेकिन इसको ऐसे आप पकड़ भी सकते हो, लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इसको नीचे से ही पकड़ो तो बेटर है, कई बार गिरने का खतरा होता है, अदरवाइज एक होल्ड बनता है, राइट। आप देख सकते होंगे अच्छा खासा कट करके ये बंद होती है, तो वो चीज़ ठीक है। तो खैर ओपन करते हैं, तो डिज़ाइन वाइज तो यार आई रियली लाइक इट, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग, राइट। तो कुछ इस तरीके की कैप है, रखते हैं साइड में। सो सबसे पहले मैं बात करूँ, आप देख सकते होंगे यार कितना सुंदर लग रहा है यार ये ब्लैक एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन, है ना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो खैर अब सबसे पहले इसके जो ये स्प्रेयर है इसकी बात करते हैं। वाओ, ऑसम यार, क्या स्प्रेयर है, आपने देखा क्या क्लाउड बन रहा है, देख रहे हो भाई, स्प्रेयर की क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है, ऑनेस्टली बहुत बढ़िया स्प्रेयर की क्वालिटी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि स्प्रेयर की क्वालिटी अच्छी तो है ही, प्लस साथ में इसको आप हाफ हाफ भी स्प्रे कर सकते हो और फुल भी कर सकते हो, तो ये चीज़ बहुत सही है कि आप इसको हाफ और फुल दोनों ही स्प्रे कर सकते हो। तो एटोमाइजर जो है ये तो काफ़ी अच्छा बनाया लताफा ने, आई रियली लाइक इट। तो खैर अब बात करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे क्या फील होता है, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो में ये चीज़ करता हूँ कि एक बार आंख बंद करके फर्स्ट इंप्रेशन में खुशबू में क्या फील हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, हालांकि फील होना शुरू हो चुका है जो स्प्रे निकला है। तो अभी मैं स्प्रे करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके का मुझे फील आ रहा है, राइट, ओके, सो लेट्स डू दैट। देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो फील होती है वो होती है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, लौंग, थोड़ा सा कह सकते हैं कि वुडी टाइप का फील होता है। इसके अलावा एम्बर फील हो रहा है, इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि पाइनएप्पल की भी फीलिंग होती है इसके अंदर, कहीं ना कहीं पाइनएप्पल जैसी फील भी आती है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन में फील होती है वो होती है कहीं ना कहीं लौंग जैसी या फिर काली मिर्च जैसी जो खुशबू होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पाइसी टाइप का फील होता है, वुडी टाइप का फील होता है, और वो पाइनएप्पल वाली फीलिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती है। तो ये जो तीन चार चीज़ें हैं और कुछ हद तक एक हल्का सा आयरिस को कह सकते हो आप, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में अगर मैं बात करूं तो मुझे जो फील हुआ वो कहीं ना कहीं स्पाइसी, वुडी, पाइनएप्पल, राइट, हल्का सा सिट्रसी, राइट, तो इस तरीके का एम्बर, वेनीला
और स्पाइसेस और जो पाइनएप्पल है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट इंप्रेशन में तो इस तरीके का ये परफ्यूम फील होता है मुझे, राइट। और जो स्पाइस है ना वो लिटरली आपको फील होंगे, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पाइसेस हैं वो तो लिटरली आप फील करोगे, जब आप इसको कहीं ना कहीं स्मेल करोगे तो फील करोगे आप कहीं ना कहीं जो स्पाइस चीज़ है, राइट। अगर हम बात करें इस परफ्यूम के बारे में, अब देखिए इसके जो टॉप नोट है उसके अंदर पाइनएप्पल, टबैको और ब्लैक पेपर का यूज़ किया गया है। हालांकि जब इसको स्प्रे किया तो मुझे पर्सनली यही फील होता है कि लौंग और ब्लैक पेपर और पाइनएप्पल की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है स्टार्टिंग में, ये चीज़ है। टोबैको थोड़ा कम फील होता है, बहुत ही रेयर, राइट। टोबैको उतना ज़्यादा फील नहीं होता है, हालांकि इन्होंने बताया हुआ है कि इसके टॉप नोट में इनका इस्तेमाल है। इसके अलावा इसके अंदर पचूली, आयरिस और कॉफ़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर वेनीला है, एम्बर है, ड्राई वुड है, राइट। इस तरीके से इसके बेस नोट में उन चीज़ों का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया गया है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस परफ्यूम की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी स्पाइसी टाइप का परफ्यूम फील होता है, और कहीं ना कहीं स्पाइसी और वुडी, और इसके अलावा एम्बरी, राइट, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, और वेनीला, राइट। तो स्पाइसी, एम्बरी, वुडी और वेनीला बेस्ड टाइप का परफ्यूम ये फील होता है, राइट। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा ये परफ्यूम लगा। अब बात करें हम इसकी, अगर कंपैरिजन करते हैं डियोर सवाज के एक्सेलर से, तो क्या ये उसका एक अच्छा क्लोन है, क्या ये हूबहू सेम है? क्योंकि काफ़ी लोग तो ऐसे ही बता रहे हैं कि इसी को ले लो, ये तो सेम वही है, 100% क्लोन है डियोर सवाज के एक्सेलर का, लो, यू नो। सो ऐसे कर करके लोग एकदम से, मतलब यार कुछ चीज़ बुरी भी है, लोग जैसे रिव्यू करते हैं तो एग्जैक्टली सेम बता देते हैं। यार थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या डिफरेंसेस हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो परफ्यूम है ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है इसकी, राइट। स्पेशली ओपनिंग के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके अंदर जो स्पाइस है, जो लौंग, जो वाटरमेलन और जो जिसे कह सकते हैं ना, जो मिर्च है ना, जो काली मिर्च, उसका जो ब्लैक पेपर का जो एकदम से ओपनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसके अंदर होती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ओपनिंग बहुत हार्श है या कुछ नाक को लगती है, नहीं, काफ़ी अच्छी भी लगती है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हम डियोर सवाज वाले की बात करें तो उसके अंदर पर्सनली मैंने जो स्मेल किया उसको, मैंने टेस्टर के थ्रू उसको स्मेल किया था, मुझे पर्सनली ये लगता है डियोर सवाज के एक्सेलर के अंदर कहीं ना कहीं नटमैग, कार्डमोम और सिनेमन और सैंडलवुड, पचूली और ग्रेपफ्रूट, उन चीज़ों का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। वो उन चीज़ों का जो नोट्स हैं वो वाले, वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो जो परफ्यूम है वो कहीं ना कहीं फ्रेश, एरोमेटिक, लेवेंडर, राइट, और लिटिल बिट स्पाइसी, उस टाइप का परफ्यूम ज़्यादा फील होता है। अगर हम इसकी बात करें तो अगेन ये थोड़ा एकदम से ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग अगर आप करोगे तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट लगेगी कि हाँ यार बिल्कुल ही डिफरेंट है, राइट, दोनों की ओपनिंग अगर आप कंपैरिजन करोगे। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर मुझे महसूस हुई कि जब आप लगभग 30-35 मिनट 40 मिनट रुकोगे तो उसके बाद जब ये ड्राई डाउन होता है तो तब काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी दोनों में आ जाती है। ओपनिंग के मामले में डिफरेंट है, राइट, लेकिन जब ड्राई डाउन होता है तो काफ़ी हद तक दोनों में सिमिलैरिटी कुछ हद तक आ जाती है, लगता है कि हाँ भाई ये डियोर सवाज के एक्सेलर जैसा है, राइट। ड्राई डाउन में काफ़ी हद तक स्मेल इसकी उसके साथ कैच करने लगती है, उसके जैसी लगने लगती है, ये चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा। तो लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और भी हमें देखनी चाहिए कि जैसे यू नो वो जो परफ्यूम है आज की तारीख में आएगी सर अराउंड 23-24 हज़ार का, 80 ml के आसपास आता है डियोर सवाज का जो एक्सेलर है, और वहीं ये परफ्यूम आपको लगभग 1500 रुपये के आसपास, 1500 से 2000 की रेंज में मिल जाता है। तो उस हिसाब से ये एक सही ठीक ठाक परफ्यूम कह सकते हो, और स्पेशली वो लोग जो उस तरीके का कुछ लगाना चाहते हैं और या फिर उस तरीके का कुछ ट्राई करना चाहते हैं वो इसको ट्राई कर सकते हैं, और आधे घंटे के बाद जो आपको इस परफ्यूम में फील होगी वो कहीं ना कहीं आपको उससे समझ आ सकती है कि उस कैटेगरी में या उस तरीके से जो डियोर सवाज का एक्सेलर है वो किस तरीके का स्मेल करता है, उसकी स्मेल को समझने के लिए आप इसको लगा के आधे घंटे बाद जिस तरीके से स्मेल करने लगेगा 30-40 मिनट बाद, उससे आपको एटलीस्ट एक आइडिया तो लग ही जाएगा। लेकिन हाँ ये चीज़ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम बात करें कि यू नो एक ठीक ठाक क्लोन की, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 92% या 95% क्लोन है, पर हाँ फिर भी ये काफ़ी हद तक में भी आप कह सकते हो 75-80% तक यू नो ड्राई डाउन के बाद क्लोज हो जाता है डियोर सवाज के एक्सेलर तक। तो ये ठीक ठाक एक क्लोन कह सकते हो आप फिर भी, राइट, कोई बहुत अच्छा नहीं लेकिन फिर भी आप सही कह सकते हो अगर आप स्पेशली प्राइस कंपैरिजन देखोगे कहाँ वो
23,000-24,000 रुपये का परफ्यूम और कहाँ ये आपका 1,500-2,000 का परफ्यूम, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। एज एन इंडिविजुअल भी जो इसकी स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्पाइस फील होते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर एकदम से बहुत गर्मी हो रही है और आपने इसको लगा लिया तो यू नो थोड़ा हो सकता है इरीटेट, मुझे नहीं लगता वैसे करेगा, लेकिन ज़्यादा गर्मी में अजीब सा फील हो सकता है, ये चीज़ भी है। लेकिन आधा घंटे बाद 40 मिनट बाद काफ़ी अच्छी स्मेल हो जाती है, काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। वैसे ये इरिटेटिव नहीं है, अपने आप में एक अच्छा परफ्यूम लगता है, तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो हाँ 1500 से 2000 की रेंज में ठीक है परफ्यूम, इसको ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि लताफा इसको ज़्यादा ना लेके जाए, कहीं 2500-3500 ना कर दे आने वाले टाइम में, राइट। तो मुझे लगता है कि 1500 से 2000 की रेंज में ये काफ़ी सही परफ्यूम है लताफा का असद। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस की, अगर परफॉर्मेंस के मामले में मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार मैंने इसको जैसे यूज़ किया तो यू नो परफॉर्मेंस में ऑफकोर्स ये डियोर सवाज के एक्सिलर की तरह तो नहीं करेगा, वो तो अच्छी खासी लंबी उसकी परफॉर्मेंस रह जाती है, लेकिन अगेन अपने प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक मे बी 7 घंटे के आसपास तक की परफॉर्मेंस इसमें देखने के लिए आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको लगभग 2.5 से 2.5 घंटे के आसपास तक का ये प्रोजेक्शन देता है, और लगभग 7 घंटे के आसपास तक की आप मान के चल सकते हो कि ये लास्ट करता है, राइट। और या तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट, राइट, इट्स नॉट बैड, मैं कह सकता हूँ कि अपने प्राइस के हिसाब से 1500 से 2000 के बीच में एक इतने महंगे परफ्यूम की ये स्मेल के आसपास तक जाता है, 75 से 80% लगभग स्मेल को कैच करने की कोशिश करता है, जो कि 24-25 हज़ार का 80 ml आता है, तो आई थिंक उस हिसाब से काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, इसकी स्मेल अच्छी है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो, 1500 से 2000 के बीच में मिल रहा है, तो आप इसके लिए ज़रूर से जा सकते हो। तो दोस्तों ये था लताफा का असद, राइट। आपका क्या कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और परफ्यूम पर रिव्यू चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आई हो पसंद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।